किसी सोसाइटी की प्लॉट वाली फाइल खरीदना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सोसाइटी की प्लाट की फ़ाइल ख़रीदने से मुतल्लिक़ ये तफसील है कि मुख्तलिफ़ सोसाइटियों की जो स्कीमें होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, उसके अंदर जो शराइत होती है वो शराइत यकसा नहीं होती, तो इसलिए कोई एक ऐसा हुक्म कि जिससे हर स्कीम से मुतल्लिक़ शरी हुक्म मालूम किया जा सके, ये तो मुश्किल है। लेकिन अमूमन जो स्कीमें होती हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन तो फ़ीस होती है, और फिर उसके बाद कुरानदाजी होती है, कुरानदाजी में जिनका इंतखाब हो जाता है उनको फिर प्लाट दिया जाता है, और बकिया लोगों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो उनको वापस कर दी जाती है। तो अगर इस तरीके से हो तो ऐसी किसी सोसाइटी में स्कीम में हिस्सा लेकर प्लाट लेना वो जायज़ है, लेकिन ये सिर्फ पहले शख्स की हद तक है, उसके हद तक इतनी ही शर्तें हैं कि उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह को जब्त ना किया जाता हो। अगला बंदा, यानी होता ये है कि जब ये फ़ाइल ले लेता है तो अभी बाहर ज़मीन पर किसी किस्म के निशानात नहीं लगे होते हैं, यानी इस प्लाट में जा सोसाइटी में जा के अपना प्लाट आदमी मुतय्यन नहीं कर सकता है, लेकिन फ़ाइल की आगे बय पर बय हो रही होती है, तो वो जो मामलात आगे होते हैं बय पर बय के वो जायज़ नहीं है। अगर कोई फ़ाइल ऐसे प्लाट की है कि उसके अंदर उसका रकबा भी लिखा हुआ है, उसका महल वक़ू भी लिखा हुआ है, और उस फ़ाइल के ज़रिए से जाके आप प्लाट को ख़ारिज में मुतय्यन कर सकते हैं, यानी किसी किस्म की जहालत एम्बिग्विटी उसमें नहीं है, तो ऐसी फ़ाइल ख़रीदना फिर जायज़ होगा। सही।